should be ashamed of yourself. शर्म आनी चाहिए आपको, ये भीख मांगते हैं आप। अब बात सुनो, क्या भीख भीख लगा रखी है तुमने? जो काम आता है वही करके कमा रहे हैं, तुम्हारी तरह नहीं है। जो काम नहीं आता उसी के चैंपियन बने हुए हैं। मेरे से ज्यादा बकवास नहीं करना। मैं फिर तुमको एक दफा कहता हूँ कि ये भीख मांगना जो है बुरी आदत है। अरे क्या भीख भीख लगा रखी है तुमने? ये तो अपने हमवतनों का शो था, एशियंस का, तो ये कपड़े पहन के आ गया। यहां से बाहर निकलूंगा, थ्री पीस सूट होगा, बेहतरीन टाई लगी होगी और हाथ में एक बोर्ड होगा, उस पर लिखा होगा हंग्री एंड होमलेस। अच्छा एक बात सुनो, इधर जरा आप बताएंगे कि आप इस मुल्क में जब आप आए थे तो क्या लाए थे? छोड़ो यार, अब पुरानी बात हो गई, करने से क्या फायदा। देखिए जब आप आ गए तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू मैं आपका कर रहा हूँ कि जब आप इस मुल्क में आए थे तो अपने साथ क्या लाए थे? पाउडर। फिर क्या, 14 साल के बाद छोड़ा? तो क्यों? ओ भाई, कस्टम वालों ने छोटी सी गलती पकड़ ली। क्या? कि पाउडर के साथ टेलकम क्यों नहीं लगाया। तो अगर उन्होंने गलती से तुम्हें पकड़ लिया था और तुम टेलकम पाउडर लाए थे तो तुम्हें तुम्हें चाहिए था तुम अमरीकी हुकूमत को सू कर देते। बिल्कुल सू करता, मिलियंस में सू करता, अगर पाउडर टेलकम होता तो। अबे तुम लोग जो हो ना, धब्बाओ बदनुमा धब्बाओ, तुम लोगों को तो बर्बाद कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। सारी दुनिया में मुल्क का नाम बदनाम करते हो। हमें देखो, जिस जगह जाते हैं हम गाते हैं दिल दिल पाकिस्तान। गलत गाते हो बेटा, फिर गाना चाहिए बिल बिल पाकिस्तान। ये क्या तुम स्टूपिड वाली बातें कर रहे हो, बिल बिल पाकिस्तान। क्लिंटन वजन में नहीं आता है, गा के देख ले। अच्छा अच्छा खैर, अब आप एक बात बताइए, भाई बहन है आपके? हाँ भाई। अच्छा कितने भाई हैं? एक और भाई है। कहाँ है वो? वो भी इधर ही स्लिप हो गया। कहाँ स्लिप हो गया? यही अमेरिका में स्लिप हुआ। तो क्या ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ये तो इमिग्रेशन वाले पकड़ेंगे तो पता लगेगा ना। तो कैसे कैसे स्लिप हो गया? अरे यार, पिछली दफा एक म्यूजिकल ग्रुप के साथ आया था, आराम से स्लिप हो गया। अच्छा सर, वैसे यार माशाल्लाह आप तो बड़ी जहानत की बातें करते हो। इसीलिए तो भीख मांग रहा हूँ भाई। अगर इतने जहीन आदमी हो तो मेरे चंद सवालों के जवाब दो। बात सुनो जी, ये हर सवाल मुझसे किया जा रहा है, अब कुछ सवाल मैं करूँ उसके जवाब दो ना। पूछो। बताओगे? हाँ भाई, सवाल ये है, मैंने सुना है कि तुम आसान सवालों के जवाब मुश्किल और मुश्किल सवालों के जवाब आसान देते हो। सवाल करके देखो। सवाल ये है कि हमने पैसे भी दिए। किसको? पूरी बात सुनो। अच्छा, मेरी आदत है बीच में। हमने पैसे दिए, मिन्नते की, हाथ पैर जोड़े, लेकिन हमको F-16 क्यों नहीं मिले? तुम तीसरी दुनिया के गरीब मिस्कीनों फकीरों, साले तुम लोग जिंदगी भर तरक्की नहीं करोगे, जहां हो ना वहीं रहोगे, वहीं बर्बाद हो। और जितनी बात पूछी जाए उतने जवाब दो। F-16 क्यों नहीं मिले? अंग्रेजी आती है थोड़ी बहुत? इधर आ सुन, ए फॉर एशिया, बी फॉर बिक गया, सी फॉर कट गया, डी फॉर डर गया, ई फॉर ईमान से, एफ फॉर फॉरगेट, आगे 16 खुद लगा लो। नहीं समझ में आया? मुझे लगता है तू सबके वीजे कैंसिल कराएगा। नहीं नहीं नहीं, वीजा किसी का कैंसिल नहीं होगा। ये अमरीकियों में यही तो एक खास बात है कि ये कौम अपने ऊपर हंसना जानती है। तो इनके ऊपर कौन है जिन पर ये हंसते हैं यार? हम हैं। हम लोग इनके भी ऊपर हैं? नहीं, हम इनके ऊपर नहीं, हम ही इनके ऊपर हैं। कैसे? ये देखो ना, सवाल आया ना, मैं समझाता हूँ। देखो, ये जो चीज बनाते हैं हम उसकी टक्कर पे उससे अच्छी बनाते हैं। मसलन अभी इन्होंने नया वीजा बनाया, बनाया हमने अपने मुल्क में उससे अच्छा बनाया। ऐसी बात नहीं है, इन्होंने बड़े बड़े हीरे यहां से अपने हीरोज निकाले। क्या निकाले? हीरो निकाले, निकाले। हमने उसकी टक्कर पे हीरोइन छोड़ी। अच्छा, आजकल ये क्या निकाल रहे हैं? आजकल ये हमारे बंदे निकाल रहे हैं। और हम इनकी टक्कर पे क्या निकाल रहे हैं? सिर्फ गालियां निकाल रहे हैं। अरे इन्होंने बड़े बड़े मुल्कों में अपने सफीर भेजे, हमने बड़े बड़े मुल्कों में अपने फकीर भेजे।
अच्छा शेर व शायरी से कोई दिलचस्पी है? हाँ काफी है यार, मैंने एक नज़्म लिखी है। अच्छा मगर है आजाद। कितनी आजाद है? काफी आजाद है। मगर फिर भी कितनी आजाद है? ठीक ठाक आजाद है। अच्छा तो क्या डायना से भी ज्यादा आजाद है? हाँ हाँ उससे भी ज्यादा आजाद। आई सी। नेल्सन मंडेला की बीवी से भी ज्यादा आजाद है? अरे हाँ हाँ उससे भी ज्यादा आजाद है। आई गॉट यू। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से भी ज्यादा आजाद है क्या? अरे अब बेचारे उनकी आजादी की क्या बात करते हो, अब तो मैंने सुना है कि कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता है वर्ल्ड कप हारने के बाद ना। कोई घर से बाहर नहीं निकलता। सही कह रहे हो, अंदर की ओर लाया हूँ। क्या वसीम अकरम ने अपने घर के नाम के आगे से अपनी नेम प्लेट हटा के राणा टुंगा की नेम प्लेट लगा ली। हाँ यार याद आया। हाँ हमारी हुकूमत ने एक ऐलान किया था। हुकूमत सिर्फ ऐलान ही करती है। अरे पूरी बात सुनिए। हाँ सुना कि अगर हमारी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी हाँ तो इस्लामाबाद में एक एक प्लांट और 50-50 लाख रुपए दिए। हाँ बिल्कुल ऐलान किया था, लेकिन ये उस वक्त की सूरत हाल थी। जब वो जीतते तो 50 लाख रुपए एक खिलाड़ी को और इस्लामाबाद में प्लॉट मिलता। हारने के बाद सूरत हाल दूसरी हो गई। अब क्या हो गई? अब पूरे मुल्क की दीवारों पे लिखा है हमारी टीम को रिहा किया जाए।